हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब देख रहे हो इरफान कंप्यूटर सेंटर। इस चैनल में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एमएस पेंट को 30 से 40 मिनट में किस प्रकार से पूरी एमएस पेंट को आपको सीख सकते हो 30 से 40 मिनट में। इसमें आपको तिरंगा बनाना है, किस प्रकार से तिरंगा बनाते हैं वो बनाना बताएंगे, किस प्रकार से कॉपी पेस्ट इस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से एमएस पेंट में कर सकते हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। स्किप करने के बाद एक एक पॉइंट आपको मिस कर दोगे तो दिक्कत हो सकती है, आप कुछ भी वर्क नहीं कर पाओगे ढंग से। इसलिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखना। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर जाना है आपको, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने ये सारी इंटरफेस आ रही है आपके सामने। आप यहाँ पर देखोगे एक न्यू पेज लेने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। या तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू पेज ले सकते हो। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। अगर इसको सेव करना हो तो सेव कर सकते हो, बाकी डोंट सेव करना हो तो डोंट सेव पे क्लिक करके इसे डोंट सेव भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन होता है हमारा ओपन का। अगर मैंने कोई फाइल पिक्चर ले रखी है, कोई फाइल है, अगर इसको ओपन करना है तो किस प्रकार से करोगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस में ओ करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को ये वाला पिक्चर चाहिए, तो डबल क्लिक से मैं आराम से यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। जो पिक्चर मेरे को चाहिए थी वो पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर भी क्लिक करके आप ला सकते हो, कोई सा पिक्चर लेना चाहते हो तो यहाँ पर ला सकते हो। बाकी इसका अगला ऑप्शन है सेव का। अगर ये फाइल मेरे को अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, अच्छी फाइल मैंने बना रखा है इसको, तो मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस में एस। बाकी इसको यहाँ पे क्लिक करके, जैसे क्लिक करोगे, मैंने पहले से यहाँ पे फाइल सेव का ऑप्शन आ रहा था तो इसलिए फाइल हो सेव एक ही बार होता है सेव में। तो सेव इसमें होता है कि कई बार एक ही फाइल को कई कई बार सेव कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की है F12। बाकी यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। एक ही फाइल को जितनी बार भी सेव करना होगा सेव करके रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर, अगर दिख रहा होगा, मैंने एक ही फाइल को एक ही नाम से दो बार सेव करेंगे तो नहीं आएगा। मैंने इस फाइल को सेव करके रख दिया। अगला ऑप्शन होता है हमारा प्रिंट का। प्रिंट हमारा मेन होता है, क्योंकि अगर कोई फाइल को हमने, अगर किसी कंपनी में जॉब वर्क कर रहे हो, कोई फाइल हमारे को अच्छी लग रही, कोई ट्रांजेक्शन, कोई अच्छी सी ट्रांजेक्टेशन बना रखा है, तो उसको हम प्रिंट से प्रीव्यू से किस प्रकार से देखा जाता है, प्रिंट की कमांड किस प्रकार से देंगे और सेटअप कैसे करेंगे पेज का, वो मैं बताने वाला हूँ प्रिंट में। सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू भी देखना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू भी दिख जाएगा। जितने में आपको ले रखा होगा उतना पूरा प्रिंट प्रीव्यू भी दिख जाएगा। यहाँ पे होता है जूम आउट, जितना जूम आउट करना चाहते हो और जितना जूम इन करना चाहते हो, जितना भी जूम करना चाहते हो उतना जूम कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद होता है हमारा पेज सेटअप। मैं इसको कट कर देता हूँ और उसी ऑप्शन पर जाता हूँ प्रिंट पर, और यहाँ पर देख सकते हो पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से पेज सेटअप आ जाएगा। लेटर A4 साइज में चाहिए आपको, A3 पे चाहिए, रोटेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, किस प्रकार से, तो यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट की दे सकते हो। अगला ऑप्शन आता है प्रिंट में ही हमारा प्रिंट। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने जैसे कि कोई प्रिंट की कमांड दी जाती है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिंट हो, जैसे किसी प्रिंट हो, तो मेरे पास तो अभी कोई प्रिंटर है नहीं जो आपको बता सकूं, लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्रिंट की कमांड दी जाती है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। जैसे कंट्रोल पी करोगे, कंट्रोल इसके लिए हमारे प्रिंट के लिए कमांड चली जाएगी। इसके बाद यहाँ से आता है कि अगर मेरे को ये मेल बढ़िया लग रही है, ये मेल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मेल मेरे को बढ़िया लग रही है तो मैं किस प्रकार से इसको मेल कर सकता हूँ। सेलेक्ट ही रहने दो, इसको जैसा वैसे रहने दो। उसके बाद सेंड मेल पर क्लिक करोगे तो इसके हमारे जो मेल बना रखा है, जिसको भी मेल करना चाहते हो तो यहाँ से मेल कर सकते हो। यहाँ पर आता है सेट बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड अगर सेट करना चाहते हो तो यहाँ से बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्या होता है कि इसकी जो भी पिक्चर ले रहे हैं हम, उसकी सारी बताएगा कि कितना पिक्चर क्या है, JPG है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, सारी कुछ इसमें बताएगा हमारा। उसके बाद आ जाता है हमारा अबाउट पेंट। अबाउट पेंट में पेंट के बारे में बताया जाता है, विंडोज 7 अल्टीमेट इन सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। फिर आता है हमारा एक्सिट। अगर किसी फाइल को हमने क्लोज करना हो तो क्या है हमारा शॉर्टकट की, तो सबको पता ही होता है कंट्रोल एल्ट प्लस में F4 शॉर्टकट की है इसका, एल्ट प्लस में F4। यहाँ पे एक्सिट करोगे, अगर सेव कोई फाइल अपने पहले से ले रखी हो, अगर सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो, डोंट सेव करना चाहते हो डोंट सेव कर लो। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अब मैं फिर से जाता हूँ और क्लिक करना हो इस पर ही,
शॉर्टकट की फिर से बता देता हूँ, अगर एक्सिट का नहीं पता है तो Alt+F4 है, बाकी यहाँ पे एक्सिट पर क्लिक करके भी वापसी आ सकते हो। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्टिंग से। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने कोई पिक्चर पे कॉपी कर रखी थी, अब मैं उसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने कॉपी कहीं से भी कर रखी हो, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट फ्रॉम से अगर कहीं से आपसे पिक्चर लेनी है, जैसे मेरे को ये वाली पिक्चर लेनी है, तो मैं कॉपी करा, पेस्ट इस प्रकार से यहाँ पर मैंने कर दिया, ये पिक्चर इस पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट फ्रॉम। अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा कट। मैं इस पिक्चर को अगर नहीं लेना है तो कट कर दिया मैंने Ctrl+Z से। मैं फिर से बताता हूँ आपको, इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है आपको, जितना पिक्चर सिलेक्ट करना चाहता हो उतना सिलेक्ट कर लो। और कट पे क्या होता है कि बिल्कुल ही वो पिक्चर जितनी भी सिलेक्ट करी आपने वो सारी पिक्चर गई। अगला ऑप्शन आता है सिलेक्शन वाला ही। सिलेक्शन वाले पे जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उतना सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कोई ये वाला शेप ले लिया, और इस पे मैं कलर कर देता हूँ, इस प्रकार से कलर कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इससे इतना जितना सिलेक्ट करोगे उतना ही आएगा, जितना सिलेक्ट करोगे उतना ही आएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ जैसे कि अलग से शेप है तो उसको जिस प्रकार से सिलेक्ट करना चाहते हो उस प्रकार से कट कर सकते हो। जैसे ऐसा लगेगा कि नॉर्मली कॉपी से कोई पेज से सेलेक्ट कर दिया, इस प्रकार से जैसे भी जिस शेप में भी आप काटना चाहते हो, तो इसमें शेप में अलग अलग शेप है हमारे पास, इस प्रकार से काट सकते हो। फिर मैं Ctrl+Z करता हूँ ताकि जैसे था वैसे ही रहे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है हमारा सिलेक्शन ऑल। अगर इस पर क्लिक करोगे तो जितना भी सिलेक्ट कर रखा था वो सारा सिलेक्ट, जितना भी सिलेक्ट कर रखा वो हट जाएगा, बाकी वापसी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। फिर आप क्या डिलीट से अगर कोई पिक्चर ले रखी है आपने तो पूरा ही डिलीट हो जाएगा, जितनी भी ले रखी है सारा सिलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया। उसके बाद आ जाता है किसी पिक्चर को, आप देखो मैं यहाँ पे ये पिक्चर ले लेता हूँ, इसको रोटेट करना हो तो किस प्रकार से रोटेट करोगे, इसको फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सिलेक्ट कर रखा था लेकिन नहीं हुआ, सिलेक्ट करा और इसको जितना भी रोटेट करना चाहते हो यहाँ पे रोटेट करके देख सकते हो, कि जितना भी रोटेट करना चाहते हो रोटेट करना चाहते हो, और फ्लिप ऑन हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, फ्लिप ऑन वर्टिकल करना चाहते हो, जिस प्रकार से जिस हिसाब से घुमाना चाहते हो उस हिसाब से घूम जाएगा ये। अगला ऑप्शन आता है हमारा इस प्रकार के टूल्स के बारे में। सबसे पहले ये पेन टूल होता है, पेन से जैसे हम कॉपी पे वर्क करते हैं पेन से, उस प्रकार से यहाँ पर भी वर्क होगा। यहाँ पे देखो कुछ भी आप टाइप करना चाहते हो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जो भी चीज़ होता है यहाँ पर, अगर कुछ ड्राइंग बनाना हो आपको, कुछ भी बनाना हो आपको, तो यहाँ पे आप बना सकते हो बड़ी ईजी, बड़े आसान से इस प्रकार से आप बना सकते हो इसको। पेंट में कोई ड्राइंग बनाना हो आपको, कुछ भी बनाना हो तो इसमें बना सकते हो। फिर आता है हमारा पेंट। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया पेंट पे और कलर देना हो मेरे को, तो इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे कलर दे सकता हूँ अलग अलग। मैंने अभी पेंसिल से वो अलग अलग बना रखा था तो इसलिए इतने कट हो रहे हैं इसके अंदर, इसलिए मैं अलग अलग मेरे को भरना पड़ रहा पेंट। उसके बाद ऑप्शन आता है इरेज करने का। जैसे मेरे से कोई गलती होगी तो किस प्रकार से इसको इरेज करोगे, तो मैं तो इसको सारे को इरेज कर लूँगा। सिलेक्ट ऑल करूँगा और इरेज पे सीधा ही मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट से जो भी वर्क हो रहा होगा सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है ये वाला शेप लेके, कोई अलग शेप लेके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला शेप ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इस पर कलर कर देता हूँ ये वाला, और अगला शेप ले लेता हूँ ये वाला। ये वाला शेप ले लेता हूँ, मेरे को यही सेम कलर इसमें चाहिए। तो किस प्रकार से करोगे, यहाँ पर जाना है आपको इस ग्रुप पे, और यहाँ से इससे उठाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। मैं फिर से बताता हूँ, यही वाला कलर लेना है हमारे को, तो यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो आप। मैं यहाँ पर क्लियर कलर कर देता हूँ ये वाला, हमारे सामने ऑप्शन ये वाला। अब कोई फाइल आपने बना रखी है उसको जूम करके देखना हो,
कितना जूम करना चाहते हो, कितना जूम आउट करना चाहते हो, तो इसमें आप बना करके देख सकते हो। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा जूम कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पे जितना जूम करना चाहते हो। कंट्रोल राइट क्लिक से तो जूम आउट होगा, और लेफ्ट क्लिक से जितना चाहो उतना जूम कर सकते हो। तो जितना था इसका नॉर्मली 100 उतना ही रख देता हूँ। कंट्रोल जेड, उसके साम उसके बाद आपके सामने आ जाता है ब्रश का ऑप्शन। ब्रश का ऑप्शन पे आप जो भी वर्क करना चाहते हो, देखो यहाँ पर मैं अलग अलग इसमें अलग अलग शेप के कलर निकलेंगे, इस प्रकार के इसमें कलर निकलते हैं। उसके बाद अगला ब्रश दिखाता हूँ आपको, बढ़िया। अभी कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आपके लिए एमएस पेंट बहुत बढ़िया है। अलग अलग साइड साइड से क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बन रहा है। उसके अगला ब्रश बताता हूँ मैं आपको, ये वाला, इसमें भी बेस्ट डिज़ाइन निकल रहे हैं। यहाँ पे भी इसको इस वाले ब्रश में जाके देख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार से निकल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग निकल रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं यहाँ पे। फिर होता है ब्रश हमारा इस प्रकार से, अलग अलग ब्रश में से अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं। किसी में ज़्यादा काढ़ा निकलेगा, किसी में कम निकलेगा, इस प्रकार से अलग अलग से देख सकते हो यहाँ पे कितना कितना निकल रहा है। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारा निकल रहा है। अब हमारे सामने इस प्रकार से बन के सारा आ रहा है। अब अगला ब्रश दिखाता हूँ मैं आपको, सबसे लास्ट ब्रश, ये वाला। इसमें तो कुछ अलग ही है, कलर इसका कुछ अमेजिंग सा निकल रहा है, कुछ अलग सा कलर निकल रहा है हमारे सामने, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग कलर निकल रहा है। बाकी इसमें बहुत सारे कलर हैं, अलग अलग कर बहुत सारे ये हैं, इसमें से अलग अलग कलर निकलते हैं, अलग अलग शेप के कलर निकलते हैं। जिस प्रकार से कोई ड्राइंग करना चाहते हो तो यहाँ पे ड्राइंग करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरह से ड्राइंग कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा टूल्स, न्यू पेज लेके यहाँ पे आपको बताता हूँ ये सारे टूल्स। पहले इस पर ये तो सिंपल ही सा, कुछ भी बनाना चाहते हो तो इस पर बना सकते हो, टाइप करना चाहते हो लिख सकते हो कुछ भी। फिर इसके बाद आता है हमारा ये दूसरा कर्व लाइन, इसको सिर्फ हम दो ही बार आगे पीछे की दो ही बार हम इसको घुमा सकते हैं, आगे या पीछे दो ही बार हम इस प्रकार से इसको घुमा सकते हैं, ज़्यादा बार नहीं घुमा सकते। फिर इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा ये। अगर तिरंगा बनाना चाहो तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी एक कर्व लाइन की। अगला आता है ये वाला सेप, ये तो सबको पता है आपको, ये बॉल वाला सेप। अगर कुछ बॉलर बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना सकते हो। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई कलर देना हो तो पेन टूल पर जाके अलग अलग कलर दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग कलर दे सकते हैं, ऐसा ही होता है। इस बॉक्स में भी ले लो आप, फिर से कर्व लाइन इसमें ले लो और इस प्रकार से कर्व लाइन ले लोगे, दो ही बार आपको इधर से उधर घुमाना है। घुमाने के बाद कोई सा कलर कर दो, कलर पर चूज करके टूल्स पर जाओ और कोई सा भी कलर दे सकते हो, जोड़ सा चाहो वो सा कलर दे सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर देखो, मैंने इरेज का बताया आपको, इरेज भी कर सकते हो इससे। अगर कुछ गलती हो गई है तो इसमें इरेज भी कर सकते हो। जूम जितना करना चाहो यहाँ पे जूम भी कर सकते हो, जूम आउट कंट्रोल इससे जूम कर सकते हो। बाकी इरेज करना हो तो इरेज भी कर सकते हो इससे, जितना इरेज करना चाहो उतना इरेज कर सकते हो। अगर इरेज नहीं करना है कंट्रोल जेड कर दो तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, बिल्कुल ही कुछ इरेज नहीं हुआ है। उसके आगे आपके सामने आ जाएगा कि ये जो है हमारे कितने, इसको कोई अगर पिक्चर बना रहे हो तो उसकी कितनी आउटलाइन होनी चाहिए, कितनी गाड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैं कोई एक पिक्चर लेकर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये हो गया। अब मैं इसका कम कर लूँ तो बिल्कुल ही कम हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल ही बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ा हुआ आ गया आपके सामने। ये सारे हमारे कलर्स होते हैं, यही कलर नहीं है, यहाँ पे एडिट कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर, अलग अलग कलर हमारे सामने मिल जाएंगे। आपको अलग अलग कलर लेने हो तो यहाँ से आप ले सकते हो अलग अलग कलर। मैं क्लिक करके इसको हटा देता हूँ और इस प्रकार से मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब मैं आपके सामने तिरंगा बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कर्व लाइन लेना है, कर्व लाइन लेने के बाद आपको शिफ्ट के साथ बिल्कुल ही सीधे आपको खींचना है आगे की तरफ,
फिर इसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे, इस प्रकार से दो बार आपको आगे पीछे कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट कर सेलेक्ट पे जाना है और ट्रांसपेरेंट ऑन ही रखना है, ध्यान रखना आपको ट्रांसपेरेंट ऑन ही रखना है, कंट्रोल के साथ नीचे करना है आपको, और कंट्रोल नहीं छोड़ना है, क्लिक से छोड़ छोड़ के एक एक कॉपी इसकी लेती रहनी है आपको, एक एक कॉपी आप यहाँ पे लेके ले सकते हो। ये हमने ले लिया इस प्रकार से। अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको रख देता हूँ, और उससे पहले मैं बनाता हूँ इसके नीचे का ये, और यहाँ पर फिर मैं इसको ले लेता हूँ, ये हमने ले लिया इस प्रकार से। इसको सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसको छोटा करना चाहते हो तो और भी छोटा हो जाएगा, मैंने इसको कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया। अब इसको लेके आते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और इसको लेके आते हैं यहाँ पर, इसको सेट करते हैं, मैंने इसको सेट कर दिया। फिर से हमारे को एक कर्व लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो कर्व लाइन हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक कर्व लाइन लेंगे, ध्यान रखना कर्व लाइन कोई सा भी हो, हम दो ही बार उसको आगे या पीछे दो ही बार हम इसको घुमा सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से आपको वर्क करना है, दो ही बार हमने घुमाया इसको भी। फिर इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर इसको लेफ्ट एंड राइट एरो की से इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसके ऊपर रखना चाहते हो तो नीचे ऊपर रख दो इस प्रकार से। फिर से मैं एक और ले लेता हूँ इस पर, और मैं इस पर अब इसकी वो बीच का चक्कर होता है वो बनाता हूँ, तो ये वाला शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद जैसा मैंने बताया था आपको, जूम करके यहाँ पे जूम कर लेना है, जितना जूम करना चाहते हो उतना जूम कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला आपको ये लाइन लेनी है, और यहाँ पे एक एक क्लिक करके साइज इसका कम कर लेते हैं, और फिर से इसको जूम आउट कर देते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके जहां पे रखना चाहता हूँ वहां पे रख सकता हूँ, अगर ये बड़ा आपको दिख रहा हो तो इसको जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ले जाके आपको रख देना है। अब करते हैं इस पर कलर, सबसे पहले संतरी कलर करते हैं, तो कलर पे क्लिक करके पेन पे टूल ले लिया हमने, बीच में तो वाइट ही रहता है और सबसे नीचे होता है हरा, तो हमने क्लिक करके फिर से हरा कलर ले लिया, और इस पर हम कौन सा कलर करना चाहें कोई सा भी कलर कर सकते हो जो सा आपको बेस्ट लगे, मैं इस पर कर देता हूँ अलग अलग कलर, और नीचे रहेगा हमारा जो सा भी कलर अलग अलग कलर यहाँ पे भी कर सकते हो। आसमानी कलर करके दिखा देता हूँ, इस प्रकार से हमारे सामने ये बनके तैयार हो चुका है। अगला मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, और इसका जो होता है आउटलाइन थोड़ा गाढ़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको उठा के इस पिक्चर को यहाँ पर रखने वाला हूँ। फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको इधर लेके जाके यहाँ पर रखूँगा, इस पर कोई सा भी कलर करना आपको यहाँ पर कलर कर सकते हो, टूल पर ले जाके यहाँ बीच में मैंने कलर कर लिया। अब इसकी अगर कॉपी लेनी हो, इसकी सेम कॉपी किस प्रकार से लोगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक इस पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा, और जैसे मैंने बताया आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे एक कॉपी ले सकते हो आप। ये तो इस तरफ को घुमा हुआ है, हमारे को इस तरफ चाहिए, तो किस प्रकार से करोगे, फ्लिप एंड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में बना हुआ आ जाएगा तिरंगा, जो भी चीज़ है तिरंगा आपको सामने बना हुआ आ जाएगा। अगर आपको टाइप करना हो तो टाइप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो,
जो भी चीज़ लिखना होता है यहाँ पे लिख सकते हो। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कमल का फूल किस प्रकार से बनाऊँ, कमल का फूल किस प्रकार से बना सकते हो। इस वीडियो में मैं भी आपको ये भी बताने वाला हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा एमएस पेंट की। वीडियो को बस लास्ट तक देखना बिना स्किप करे हुए। एमएस पेंट आप कुछ ही मिनटों में, जो 3 महीने 4 महीने कोर्स करते हैं, मैं कुछ ही मिनटों में आपको 30 से 40 मिनट में आपको पूरा फुल कोर्स बता सकता हूँ। फिर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक ये वाली शेप ले लेनी है, कर्व लाइन। कर्व लाइन लेने के बाद आपको इस प्रकार से सीधे में शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, और आपको इस प्रकार से आगे की तरफ हल्का सा नीचे की तरफ इस प्रकार से प्रेस करना है। तो हमारे ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड का पहले तैयार करेंगे, उसके बाद अगले साइड का तैयार करेंगे। इस पर क्लिक करके हम यहीं पर रहने देंगे इसको। मैं ये वाला आपको लेना है, इसे ले लिया। अब उसके बाद लेते हैं ये वाला, क्लिक करके यहाँ पे लेके जाना है और इस प्रकार से आपको छोड़ देना है। फिर से सेकंड बार भी आपको ये वाला लेना है, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कर्व लाइन लेके फिर से आपको यहीं पे लेके ले जाना है और छोड़ देना है। दो बार ही आप क्लिक करना है आपको, आगे हल्का सा नीचे ऊपर दो बार ही क्लिक करना है आपको। और भी जैसे मैं लेके दिखा देता हूँ यहाँ पर, मिलाना चाहते हो तो लेफ्ट क्लिक से मिला सकते हो इसको। बाकी फिर से मैं लेता हूँ यहीं पर और यहाँ पे क्लिक करके सीधा इसके नीचे छोर पे ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ। इस प्रकार से देख सकते हो छोटी मोटी गलती होती रहती है। मैं फिर से वापसी इसको लेके दिखा देता हूँ। हो गया, इस प्रकार से हमारे एक तरफ का बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हो आपके सामने एक तरफ का हमारे सामने ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसकी कॉपी लेंगे, सेकंड तरफ को मिलाने के लिए कॉपी लेंगे। तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक, अब इसको हमको मिलाना है तो क्लिक एन वर्टिकल पे करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे, तो आपके सामने इस प्रकार से बना हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी कमी लग रही है हमारे को, तो इसको कमी कैसे पूरा करें, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और नीचे की तरफ बिल्कुल ही सीधे में आपको यहाँ तक लेके जाना है। मैं इसको वापसी लेके दिखाता हूँ आपको। ये वाला शेप लेना चाहते हो ये वाला शेप ले लो और बिल्कुल ही इस प्रकार से हमने ये अपना बना के कमल का फूल तैयार कर लिया है। अब उसके बाद नीचे का हम देखते हैं, इसकी नीचे का पत्ती किस प्रकार से देंगे। कर्व लाइन पे क्लिक करके और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इस प्रकार से आपको इसको हल्का सा एक बार प्रेस करना है, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, और कंट्रोल के साथ इसकी एक और कॉपी ले लेनी है। इसको थोड़ा नीचे कर लो, सिलेक्ट करो और इसको कंट्रोल के साथ एक और कॉपी ले लो और दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लेके रख सकते हो। उसके बाद नीचे की अगर देना चाहते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से ये बना के दिखा दिया कमल का फूल आपको। अब इस पर कलर देंगे हम, तो कलर मैं रेड कलर ले लेता हूँ और पेंट टूल पे क्लिक करके मैं रेड कलर इस पर अलग अलग रेड कलर कर देता हूँ और नीचे हमारे जड़ों पे हरे कलर करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से देख सकते हो मैंने ये एक कमल का फूल आपको बना के दिखा दिया है और इसको सेलेक्ट करके अगर इसकी भी आपको कॉपी चाहिए तो इस प्रकार से सेलेक्ट करना है आपको, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक से एक एक कॉपी निकाल लेनी है आपको। मैं न्यू पेज, इसको सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और न्यू पेज पे आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हल्का सा रख के कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक से एक एक कॉपी निकाल सकते हो आप। कॉपी निकाल लिया मैंने
अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपको नाम देना हो अपना, तो टैक्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम दे दो, जो भी नाम लिखना चाहते हो। जो भी नाम देना चाहते हो यहाँ पे नाम आ जाएगा आपका। मैं फिर से यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ अपना। देखे तो यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया इस प्रकार से। आप भी अपना नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे नाम दे सकते हो। और उसके बाद होता है हमारा क्या, अगला स्टेप बताने वाला हूँ, इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको। और सेव भी कुछ इस प्रकार से कि डेस्कटॉप पे ही सेव रहेगा आपका, जो भी होगा वर्क वो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो, तो इसमें बताने वाला हूँ आगे। यहाँ पे क्लिक करके मैंने ले लिया अपना डेस्कटॉप पे सेव करना, कंट्रोल प्लस अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करना है। और यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड पे, फाइल में अपलोड करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में है, म्यूजिक, न्यू लाइब्रेरी, पिक्चर, वीडियो, आपके साथ आपके पास लोकल डिस्क आ गया, DEC, इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। जिसमें भी सेव करना चाहते हो तो उसमें सेव कर सकते हो। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाता हूँ आपको। डेस्कटॉप पे क्लिक करो और जो नाम देना चाहते हो नाम दे लो। पच्चीस तो मेरा ये डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डेस्कटॉप पे इस प्रकार से पिक्चर में हमारे इस प्रकार से डेस्कटॉप पे आ चुका है। मेरा नाम भी आ रहा है, सारा कुछ जो जो चीज़ आ रहा है, बस थोड़ी ये तो ये देखो ये छोटी छोटी ये दो गलती हो गई है, ये भी आ रहा है हमारे सामने। अब इसके बाद आपको देखना हो कि ये पिक्चर किस प्रकार से बनी है, कितनी MB में बनी है, JPG में बनी है कि नहीं बनी है, किस प्रकार से देखोगे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कौन सा करना है, राइट क्लिक करके नीचे आ जाना आपको प्रॉपर्टीज़ में। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कितने MB की बनाई है, कि JPG में है, PNG में, तो PNG में हमारा JPG भी नहीं है और ना ही MB में है। 39.2 KB में आ रहा है 40 मीटर्स में। सारा जो भी आपको सारा कुछ दिखा देगा आपके सामने। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो इस प्रकार से सामने आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हो मैंने ये सारा बना के दिखाया आपको MS Paint में। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे MS Paint, MS Excel, MS PowerPoint जितने भी कोर्सेज हैं वो फ्री में कराए जाते हैं। अगर हमारे चैनल आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।